फिल्म अभिनेत्री मयूरी कांगो अब गूगल इंडिया में काम कर रही हैं। उन्हें इंडस्ट्री एजेंसी पार्टनरशिप का हेड बनाया गया है। मयूरी को फिल्म पापा कहते हैं के गाने घर से निकलते ही के लिए याद किया जाता है। ये फिल्म 1996 में यानी 23 साल पहले आई थी, जिसमें मयूरी के अलावा जुगल हंसराज भी नजर आए थे। बॉलीवुड में मयूरी का करियर कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने तकरीबन 15 फिल्मों में काम किया और कुछ टेलीविजन सीरियल्स करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। 2009 में आई सैफ अली खान और करीना कपूर स्टारर कुर्बान उनकी लास्ट फिल्म थी। मयूरी ने न्यूयॉर्क बिजनेस स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 2009 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री की। मयूरी ने 2 साल तक फ्रेंच एडवर्टाइजिंग कंपनी पब्लिसिस ग्रुप के साथ काम किया। मयूरी के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर थी। मयूरी 36 साल की हैं। उन्होंने 2003 में NRI आदित्य ढिल्लन से शादी की थी। वो एक बेटे की माँ भी हैं। उन्हें फिल्म पापा कहते हैं में लीड रोल महेश भट्ट ने दिया था। फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रही, लेकिन इसके बाद मयूरी बेताबी, होगी प्यार की जीत और बादल जैसी फिल्मों में भी नजर आई थी। फिल्मों में सफलता न मिलने पर उन्होंने 2001 में आए शो डॉलर बहू में काम किया और इसके बाद 2003 में करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर की बेटी की भूमिका निभाई। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।